वाराणसी से पीएम मोदी लड़ेंगे चुनाव, पार्टी ने गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी का टिकट काटा, अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह होंगे उम्मीदवार। अमेठी में एक बार फिर स्मृति ईरानी वर्सेज राहुल गांधी, राजनाथ लखनऊ से, नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर से उतरेंगे चुनावी मैदान में। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने होली पर जारी की पहली सूची, 184 उम्मीदवारों की घोषणा, बिहार की 17 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम लगभग तय, एनडीए जल्द करेगी घोषणा। यूपी के 6 मौजूदा सांसदों का टिकट कटा, पहली लिस्ट आने के बाद मिली सूचना। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक आज, शाम तक जारी हो सकती है उम्मीदवारों की नई लिस्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल बढ़ी, आज फिर बीजेपी की बैठक, बाकी की सीटों पर तय होंगे उम्मीदवारों के नाम। बिहार में महागठबंधन आज सीटों के तालमेल का कर सकता है ऐलान, प्रेस वार्ता कर किया जा सकता है सीटों का ऐलान। सलमान खान ने लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार, ट्वीट कर चुनाव लड़ने की अटकलों पर लगाया विराम, कहा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं करेंगे किसी पार्टी का प्रचार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 24 घंटे में 4 एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी, एक आतंकी के ढेर होने की सूचना। सुबह 6 बजे चाइना में हुआ एक्सीडेंट, तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंदा, हादसे में 7 लोगों के घायल होने की खबर। पाकिस्तान को अमेरिका की चेतावनी, कहा पाकिस्तान को आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत। इराक के मोसुल में हुआ भयानक हादसा, नदी में नाव डूबने से लगभग 100 लोगों की मौत, मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे, क्षमता से ज्यादा लोग थे नाव में सवार। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं, लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।